अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट्स को। कुछ अपडेट दोस्तों आपको 29 अगस्त की भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रमोट होने की उम्मीद खत्म। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर के छात्र हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है कि आपको प्रमोट किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि फाइनल ईयर के छात्रों का पेपर होना 100% दोस्तों अब तय है। ठीक है, अब कोई दोस्तों या तो देखिए पेपर इनका पोस्टपोन किया जा सकता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। तो अब बात होगी दोस्तों, क्या DLED छात्र अब भी प्रमोट हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि DLED छात्रों को मतलब प्रमोट अब भी किया जा सकता है? इसका दोस्तों एक रीजन है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है वो सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर था। बात दोस्तों यहाँ पर ये थी ना कि अगर छात्र कोर्ट का सहारा लेते, जैसे DLED के छात्र अगर DLED को प्रमोट ना किया जाए तो क्या फ़ायदा कुछ हो सकता था, ये सब बातें थी। कुल मिला के दोस्तों अगर आप कोर्ट का भी सहारा लिया गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अभी। लेकिन दोस्तों सरकार चाहे तो DLED के छात्रों को प्रमोट कर सकती है, क्योंकि UGC गाइडलाइंस में सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों का मतलब जो पेपर था उसको कराना जरूरी है, ना कि दोस्तों अन्य किसी भी सेमेस्टर का पेपर की बात हुई है। ठीक है, तो अभी भी उम्मीद बची है, ऐसा नहीं कि दोस्तों DLED की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अब परीक्षा के लिए आपको तैयार हो जाना है, बाकी दोस्तों सरकार के ऊपर सब कुछ है। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं, इसको दोस्तों देखिए और समझिए। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के CM योगी जी क्या कहते हैं, इसको देखिए। BEd परीक्षा में किसी को नहीं हुआ कोरोना, NEET JEE होनी चाहिए, योगी जी। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको पता होगा यूपी में दोस्तों BEd का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, BEd का, जिसमें दोस्तों लाखों छात्र अपीयर हुए थे, उसको लेकर दोस्तों ये अपडेट आपके सामने है। ठीक है, तो दोस्तों योगी जी जो कह रहे हैं वो हम आपके सामने बात रख रहे हैं, तो इस अपडेट को इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद देखिए सिंपल सी बात है, DLED छात्रों को अब तैयार हो जाना चाहिए। एक और अपडेट आपको दे दें, 6 मंत्री दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, देखिए जहां पर BJP की सरकार नहीं है वहाँ के जो मंत्री हैं भाई वो तो जाहिर है कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, कि इस समय दोस्तों जो कोरोना के केस है ना हर एक राज्य में लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हम कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमारे देश में एक दिन में 76,000 मामले नए सामने आते ना, उससे देखिए डर का तो माहौल बनेगा ही ना। ये दोस्तों कोरोना हो किस पर आ, सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होगा। एक और अपडेट आपके सामने रखें, पहले इसको आप देखिए और समझिए। मानसून सत्र से पहले सभी सांसदों का होगा कोरोना टेस्ट, लोकसभा स्पीकर। देखिए दोस्तों ये अपनी तैयारी तो अभी से कर ले रहे हैं कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट हो जाएगा, कि वहां पर किसी को कोरोना का कोई खतरा ना रहे। ऐसा दोस्तों कोई नियम किसी भी पेपर में लागू नहीं किया गया कि भाई पेपर होने से पहले सभी छात्रों का एक बार कोरोना टेस्ट हो जाए, जिससे छात्रों में जो डर का माहौल है वो खत्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना टेस्ट इसलिए होता है कि जो डर का माहौल होता है वो खत्म हो जाए, फिर आप बिना मास्क के ऐसे ही जा सकते हैं पेपर देने, कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन जब आपको 100% श्योर हो कि यहाँ पर किसी को भी कोरोना वायरस नहीं है, अगर एक को भी कोरोना हुआ ना 100 में से, मतलब 99 को तो कोरोना नहीं है लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसको कोरोना है, वो कोरोना सबको फैला सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा डर तो रहेगा ही ना। ये सब बातें, तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को हम देखेंगे। उसके बाद आपके कुछ और सवाल है कि क्या परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है, इसको इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अब देखिए अब किसी भी हालत में नहीं रुकेगी परीक्षा, फिलहाल दोस्तों ये बात सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर है। DLED में दोस्तों अभी भी बहुत सी उम्मीदें बची हैं। ठीक है, DLED का दोस्तों अलग मैटर है और फाइनल ईयर वाला अलग था, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता था, लेकिन वो फ़ायदे की जो गुंजाइश थी वो ख़त्म हो चुकी है। पहले दोस्तों चलिए योगी जी का बयान देखते हैं, योगी जी ने आखिर क्या कहा। देखिए उत्तर प्रदेश के भाई हमारे CM हैं और DLED छात्र जो कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार का दोस्तों बोलबाला हमेशा रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। बाकी दोस्तों आप इंतज़ार करते होंगे कि आखिर PNP से क्या अपडेट आ रही है। तो PNP दोस्तों जो पूरी पावर है यहाँ पर सरकार के हाथों में होती है, तो यहाँ पर नाम है PNP, बाकी सब कुछ पावर सरकार के ही पास है। अपडेट को देखने पहले कि अपडेट क्या है परीक्षा को लेकर। हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक वाली बटन को क्लिक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अपडेट के आपके सामने रखते हैं कि अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों अपडेट को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने JEE और NEET परीक्षाओं के आयोजन को टालने की विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग के बीच शुक्रवार को स्पष्ट किया कि यूपी सरकार इन परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि बहुत से छात्र इस वीडियो को देखकर गुस्सा हो रहे हो,
क्योंकि यूपी सरकार से दोस्तों छात्रों को बहुत सी उम्मीदें थी। देखिए दोस्तों, अन्य राज्यों की सरकार भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मतलब काफी नाखुश है कि नहीं यार, परीक्षाओं के समय स्थगित किया जाना चाहिए। फिलहाल ये नीट और जेई का पेपर है। वैसे दोस्तों आपका भी पेपर कुछ ना कुछ दिन बाद होना ही है। उसके बाद देखिए पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आगे के अपडेट में दोस्तों बात करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार नीट तथा जेई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा, गत 9 अगस्त 2020 को राज्य में बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे। इस परीक्षा में कहीं से भी संक्रमण कोरोना वायरस की कोई खबर नहीं आई। तो दोस्तों आगे देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा भी संपन्न कराई गई है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दोस्तों जो बीईओ का पेपर हुआ था, इसमें दोस्तों तकरीबन 3 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ा था, ठीक है। और दोस्तों जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, वहाँ पर भी 50,000 से अधिक बच्चों ने पेपर छोड़ा। इस बात को दोस्तों हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जो बच्चे पेपर छोड़े हैं उनका भविष्य खतरे में है। तो ऐसे दोस्तों बहुत से छात्र होंगे जो डीएलएड का पेपर, नीट का पेपर, जेई का पेपर छोड़ सकते हैं। बहुत से दोस्तों रीजन हो सकते हैं कि वो सेंटर तक ना पहुंच पाए या कोई और दिक्कतें हो सकती हैं। इस बीच दोस्तों देखिए, यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी किया विरोध। इस अपडेट को भी जरा आपके सामने रखते हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जेई नीट परीक्षा कराने पर अड़ी भाजपा ने अब यह खुलासा कर दिया है कि उसने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्यों बदला, क्योंकि शिक्षा व शिक्षार्थियों के प्रति उसका दृष्टिकोण मानवीयता से रिक्त है। बता दें कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी देने के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। सपा अध्यक्ष की ओर से 27 अगस्त को परीक्षार्थियों और अभिभावकों के समर्थन में तथा परीक्षाओं व भाजपा के खिलाफ जारी खुले पत्र में कहा गया, भाजपा की तरफ से ये हास्यास्पद और तर्कहीन बात फैलाई जा रही है। जब लोग दूसरे कामों के लिए घर से निकल रहे हैं तो परीक्षा क्यों नहीं दे सकते। अब दोस्तों देखिए, कोई व्यक्ति अगर घर से निकल रहा है तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो, देखिए वो बात अलग है। देखिए आगे पूरी बात को समझिए पहले। पत्र में कहा गया कि भाजपा के लोग सत्ता के मद में ये भी भूल गए कि लोग मजबूरी में निकल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बस हम यही आपसे कहना चाहते थे कि आज अगर आज की डेट में हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोच समझ के निकल रहे, घर पर आ रहे हैं तो डर रहे हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए। और आगे अपडेट देखिए, और जो लोग घर में रहकर बचाव करना भी चाहते हैं, सरकार परीक्षा के नाम पर उन्हें बाहर निकलने पर बाध्य कर रही है। उल्लेखनीय है कि नीट और जेई जैसी परीक्षाओं को टालने की मांग छात्रों का एक वर्ग कर रहा है, जिसका विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं। इस मांग को लेकर बृहस्पतिवार को राजभवन पहुंचे सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। कांग्रेस दोस्तों दे रही धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी केंद्र द्वारा महामारी काल में जेई और एनईटी नीट की परीक्षा मतलब कराए जाने के खिलाफ आज प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष मतलब अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने में नाकाम साबित हुई है। ऐसे घातक संक्रमण के दौर में लाखों छात्रों की परीक्षा आयोजित करना उनको इस खतरनाक संक्रमण में झोंकने जैसा है। तो दोस्तों देखिए, नीट और जेई परीक्षा को टालने की मांग लगातार हो रही है और छात्रों की इस मांग का मतलब विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला है। वही दोस्तों अब गैर बीजेपी शासित राज्यों के 6 मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को इस साल नीट जेई परीक्षा कराने की अनुमति देने वाले उसके आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। तो दोस्तों कुल मिला के ये सब अपडेट आपके सामने हमने रख दिया कि हो क्या रहा देश में। जहाँ पर दोस्तों बीजेपी की सरकार है वहाँ पर खुला सरकार को समर्थन मिल रहा है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर विरोध हो रहा है कि पेपर इस समय स्थगित होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। अब दोस्तों आपके सामने हम रियलिटी रखते हैं कि क्या होना चाहिए, एक्चुअल में पेपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस बात को दोस्तों हम दो तरह से समझेंगे। पहले बात ये कि दोस्तों अगर कोरोना के काल में पेपर होता है तो हम किसी भी प्रकार की 1% भी दोस्तों लापरवाही हम नहीं कर सकते। अगर लापरवाही हुई उसका खामियाजा दोस्तों पूरा देश भुगतेगा, या उनका पूरा परिवार या उनका पूरा मोहल्ला, जो भी दोस्तों आप समझ सकते हैं। रीजन आपके सामने हम रखते हैं कि दोस्तों जब हमारे देश में कोरोना वायरस आया होगा तो स्टार्टिंग पीरियड में, जी हाँ दोस्तों जब मार्च में लॉकडाउन लगा था उस समय दोस्तों हमारे देश की कोरोना की हालत आप देखिए कितने कम केसेस थे। लेकिन दोस्तों आज हम दुनिया के 3रे नंबर पर पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, इंडिया में कोरोना वायरस सबसे लेट लगभग पहुंचा था। बाकी अन्य देशों में दोस्तों कोरोना लगभग पूरे पैर अपने पैसार चुका था, जो भी आप समझिए, ठीक है। लेकिन हमारे देश में जब कोरोना इतनी लेट से आया उसके बाद इतना बड़ा कहते,
तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पेपर की ही बात हो रही है, घुमा फिरा कर आपसे सीधी बात करें तो फिलहाल अभी दोस्तों पेपर को पोस्टपोन किया जा सकता था, लेकिन अब आपके सामने बातें हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ योगी सरकार ने तो भाई रुख स्पष्ट कर दिया है कि जब बीएड और बीईओ की परीक्षा में कोरोना किसी बच्चे को नहीं हुआ तो जेई नीट और उसके बाद दोस्तों अन्य परीक्षाओं के लिए आप इशारा समझ सकते हैं, डीएलएड को भी इशारा है कि जब वहाँ कोरोना नहीं हुआ तो आपको कोरोना कहाँ से होगा। तो सिंपल सी बात है, बाप से बस हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। 1% की भी अगर आप लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। खामियाजा होगा या तो दोस्तों आप पेपर आप में फेल हो जाएंगे, या तो पेपर में आपकी बैक लग सकती है, या दोस्तों पेपर आप छोड़ सकते हैं क्योंकि सेंटर आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको पेपर के लिए हमेशा मतलब युद्ध स्तर की तैयारी रखना है कि कल को पेपर हो तो बिल्कुल आप तैयार रहें। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते आप। अब परीक्षा की दोस्तों एक्सपेक्टेड तारीख की हम बात करें कि कब हो सकता है आपका पेपर। देखिए दोस्तों सितंबर में बातें हो रही हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ना, कोई भी दोस्तों गाइडलाइंस अभी तक ऐसी नहीं बनी है जो डीएलएड को बताए कि मतलब जो यूजीसी की गाइडलाइंस है दोस्तों, अगर इनको डीएलएड वाले फॉलो नहीं करते, जैसे अगर हमारी पीएनपी की बात करें, अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अगर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब 30 सितंबर तक दोस्तों यहाँ पेपर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसका रीजन आप समझ रहे हैं ना कि अगर यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता तो जो बच्चे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में हैं तो उनको प्रमोट कर दिया जाता। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ जो गाइडलाइंस बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी, या तो दोस्तों वो गाइडलाइंस पीएनपी के थ्रू बन जाएगी, या तो हम सीधे तौर पर कहें सरकार की तरफ से। ठीक है, सरकार का दोस्तों जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला यहाँ समझा जाएगा। तो कुल मिला के वीडियो के अंत में बस इतना ही कहेंगे कि अगर पहले आप लोग एक काम करिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला आया है उसको हमने कमेंट बॉक्स नीचे लिंक दिया है। ठीक है, अगर दोस्तों डीएलएड की अब जो डेट सीट है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, अगर आप उसको भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर सबका लिंक है, उसको जाकर आप एक बार देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखिए, समझिए, एनालाइज करिए, तभी आप देखिए आगे बढ़ेंगे। अब घर बैठे आप लोग दोस्तों जब तक कुछ सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों सरकार की भिड़ंत आपके सामने है, जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर मतलब कोरोना काल में भी पेपर को लेकर कोई दिक्कतें सामने नहीं आ रही, जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ की सरकार दोस्तों विरोध कर रही कि पेपर इस समय नहीं होना चाहिए। देखिए हमें छात्रों के हर एक वर्ग को सुनना चाहिए, समझना चाहिए उनकी बातों को, क्योंकि कुछ छात्रों का सेंटर दूर हो सकता है। देखिए डीएलएड में भी ऐसा होता है, बहुत से ऐसे छात्र हैं दोस्तों डीएलएड में जो दूसरे जिलों में जाकर डीएलएड कर रहे हैं, उनके घर के पास उनका कॉलेज नहीं है, तो सिंपल सी बात है सेंटर घर से काफ़ी दूर होगा, 30-40-50 किलोमीटर, और सबके पास देखिए खुद की बाइक वाइक नहीं है, तो सभी लोग बस से ऑटो से ट्रेवल करना इस समय काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं तो पेपर कोई छोड़ नहीं सकता, तो करेंगे ही छात्र, लेकिन भाई वही है ना कि खतरे में ज़िंदगी को डालना होगा और कुछ है नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सरकार छात्रों की बात को सुने समझे और उसके बाद कोई अच्छा फैसला लें जिससे कि डीएलएड छात्रों का फ़ायदा हो नुकसान ना हो। देखिए मेन बात दोस्तों एक और है, वीडियो के अंत में कहेंगे कि डीएलएड 2019 बैच हो चाहे 2018 बैच हो, ठीक है, दोनों छात्रों ने दोस्तों लंबा स्ट्रगल अप कर लिया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक साल से अधिक का समय बीत चुका है, अभी तक कोई पेपर ना होना मतलब ये एक तरह से मजाक कह सकते हैं उनके साथ, क्योंकि अगर आज अब आपको पता है दोस्तों जैसे कि अब फाइनल ईयर का पेपर 30 सितंबर तक हर हालत में हो जाएगा, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, इस बात को आप समझ लीजिए। यूपी में तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, उसका मतलब यही है कि अक्टूबर से दोस्तों डीएलएड 2020 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अक्टूबर 2020 में। तो कुल मिला के दोस्तों जो नया बैच आएगा और 2019 बैच, अब दोनों तो बराबर ही हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पेपर की गुंजाइश अभी फिलहाल सितंबर में तो बहुत ही कम है। उसका रीजन हमने आपके सामने रख दिया कि यूजीसी गाइडलाइंस अगर यहाँ फॉलो नहीं की जा रही है तो फिर पेपर का कोई मतलब ही नहीं बनता, समय लग सकता है। बाकी दोस्तों अंतिम फैसला पेपर को लेकर सिर्फ सरकार का होगा। तो यहाँ दोस्तों डर आपके मन में आ सकता है कि भाई सरकार ने कल ही फैसला ले लिया कि नहीं पेपर अब जल्दी होगा तो फिर पेपर जल्दी होगा, और फैसला देर से लिया जाएगा तो फिर पेपर आपका देर से होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखते रहेंगे, फिलहाल आप लोग अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए पेपर को लेकर, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, अब वो परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, परीक्षा में प्रमोट होने की गुंजाइश अभी भी बची। एक बात और वीडियो के अंत में, ठीक है दोस्तों, यूजीसी गाइडलाइन जो आई थी ना यूजीसी वाली, वो दोस्तों सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चों के लिए थी जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के थे, बाकी दोस्तों यहाँ अंतिम फैसला पीएनपी का होगा। बस उस गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों मतलब आप में इतना था कि अगर उसमें प्रमोट करने को लेकर फैसला आता, डीएलएड के छात्र अगर कोर्ट में चैलेंज करते तो हो सकता था दोस्तों आप उसको रेफरेंस के तौर पर दिखा सकते थे, जो कि अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलता है अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि।